डॉक्टर की तरफ से दो वीडियोस ऐसे वायरल किए गए जिसमें ये दिख रहा है कि जब करौली आश्रम में पहुंचे थे ये डॉक्टर, उन पर हमले हुए थे, वहां पर दबंग ने उनके साथ मारपीट वहां पर की थी, जिसको हालांकि बाबा की तरफ से खारिज किया जा रहा है। अब इसको लेकर के दोनों के बीच का ये विवाद बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर आप दोनों के बीच आप सुन भी रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। करौली सरकार के ये बाबा जो कि संतोष सिंह भदौरिया है, इधर डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी, दोनों के बीच का ये मामला अब बढ़ता जा रहा है। अस्पताल क्यों आए, अस्पताल डॉक्टर है, ये डॉक्टर हैं, क्यों आए? बिल्कुल है, ये मामला ये है कि षड्यंत्र है। एक महीने बाद एफआईआर क्यों? जब ये नोएडा पहुंच गए तब किससे भय था? अगले दिन क्यों एफआईआर नहीं की? ये अगले दिन क्यों नहीं एफआईआर की? अगर यहाँ कानपुर में तो भय था, नोएडा में क्यों एफआईआर नहीं की? एक एक साल बाद एफआईआर होती है, एक एक साल बाद एफआईआर होती देना होगा तुम्हें कोर्ट में। एफआईआर हुई है, इसका जवाब तुमको कोर्ट में देना होगा, चाहे दो महीने बाद हो चाहे दस महीने बाद हो, ये जवाब कानून में देना होगा। कोर्ट में देंगे हम, अदालत में, कि कोर्ट में क्यों एक महीने बाद एफआईआर की? सब होते एक महीने बाद दे देंगे, दे देंगे एक महीने बाद। धमकी से कोई डरने वाला नहीं है, तुम्हारी धमकी से मैं डरने वाला नहीं हूँ। यहाँ भाई तुम मेरी हत्या करा देना, तुमने मेरी हत्या का प्रयास किया है ना, तुमने मेरी हत्या का प्रयास किया, तुम मेरी हत्या करा देना बस, ठीक है? तुम आतंकवादी तो हो ही, ज्यादा से ज्यादा मेरी हत्या कराओगे ना, उसके बाद भी नहीं डरूंगा मैं। मेरे जैसे मेरे मरने की अगर तुम मेरी हत्या करा दोगे तो मेरे जैसे पता नहीं और कितने खड़े हो जाएंगे बोलने के लिए, ठीक है? अरे तुम कुछ भी करो, जब ऐसे राक्षस पैदा होते हैं ना धरती पर, तुम्हारा जब ऐसे राक्षस पैदा होते हैं धरती पर, तुम्हारा झूठ नहीं चलेगा, साधु का धक्का झूठ नहीं चलेगा, ऐसी क्रांति होती है फिर, कोई झूठ नहीं चलेगा। पिछले 23 वर्षों से आश्रम है यहाँ पर, किसी पिछले सुन लीजिए बहन जी मेरी, इनका पुलिस तुरंत इनका पुलिस, आप ये बताइए कि पुलिस इतना समय क्यों लगा रही है, पुलिस इतना समय लगा रही है, इतनी वायरल हुए, इतना इन्होंने मेरे पिताजी के साथ मारपीट की, इन्हें शर्म नहीं आती? इनको शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। इन्होंने फोन पे मैसेज करके और उसके बाद मेरे 70 साल नई बात आ गई है, उनको दुनिया भर की बीमारी के रोगी रहे, उनके साथ उनको धक्का मारा इन्होंने, शर्म आनी चाहिए। पिताजी जो है तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपने आप को बाबा कहते हो, सनातन कहते हो, आनी चाहिए शर्म है? शर्म मरे आदमी तुम्हारे इशारे पे जो है धक्का मार रहे हैं, गाली गलौज करते हो, तुम नंबर एक के नंबर एक झूठ बोलो, पानी लो आधार के मर जाओ, थोड़ी बहुत भी आधार अगर थोड़े बहुत भी झूठी है ना, षड्यंत्र थोड़ी बहुत भी साजिश, षड्यंत्र एजेंट हो तुम, साजिश करता हो के फ्रॉड के मोहरे हो, के फ्रॉड है, मोहरे हो, के एजेंट नहीं है ये, मोहरे हो, मोहरे सब जो है गुंडा है, बलिया है, माफिया है, ये मोहरे हो तुम, माफिया हो जो ये सकता है तुम्हारे से डॉक्टर। अरे तुम अंडरवर्ल्ड चैलेंज हो चाहे कुछ भी हो, चैलेंज है, ठीक है? को चैलेंज कह रहा हूँ मैं, ना अंडरवर्ल्ड से डरता हूँ, ठीक है ना, तुमसे डरता हूँ, ठीक है? फ्री का चैलेंज, अब ये देखिए तुम अंडरवर्ल्ड के डॉन हो चाहे, लेकिन उस दिन डर गए थे, एक महीना तक डरे रहे हैं, अंडरवर्ल्ड डरते नहीं। अरे तुम कहीं के भी डॉन हो, डरे भी रहे, डॉन हो, मार रहे हो, फरमाश हो, और तुम आतंकवादी हो, कुछ भी हो तुम, ठीक है? तुमसे मैं डरने वाला नहीं हूँ, ठीक है? डरता हूँ मैं केवल भगवान से डरता हूँ, भगवान महादेव से डरता हूँ, ऐसे तुम जैसे फौज से नहीं डरता। एक महीना डरे रहे बेचारे, एक महीना तक डरे रहे बेचारे, इसके बाद भी डरे रहे। मैं बताऊँ क्यों डरा हूँ, ठीक है? झूठ और करे साजिश करता, तुम चिकित्सा कर, ये बताओ एक महीने में अपना इलाज कराता बदनाम करने जो है, तुमने आते ही कहा चमत्कार दिखाओ, दरबार रोज कहता है, मैं दरबार रोज कहता है, कोई चमत्कार सनातन नहीं है, मत सनातन के पीछे मत छपो, सनातन के पीछे मत छुपो, तुम जो है दुनिया भर का तुम्हारा जो है अब ईडी की इंक्वायरी और वो सही होने जा रही है, तुमने सब जो है जो डॉक्टर की डिग्री के पीछे छिप रहे हो, छिपो मत, सारा इतिहास बता दिया इसको, पूरे मोहल्ले को बता, मोहल्ला पूरा जानता है, पागल हुआ, पूरा मोहल्ला जानता है, सब बता रहे हैं, देखो पड़े कमेंट यूट्यूब पर, कमेंट अच्छा, हुए कि हम मोहल्ला रहते हैं, इसके बारे में
तुम सब बता रहे हैं तुम्हारे मोहल्ले के लोग मीडिया जाएंगे तुम हो पागल मीडिया तुम हो पागल पागल है मोहल्ले से सब फर्जी कमेंट है यूट्यूब पे डाल रहे हैं वो तुम्हारे तुम्हारे लोग तुम्हारे सोशल मीडिया वाले लोग हैं वो ये पढ़ो कमेंट तुम्हारे सोशल मीडिया वाले लोग हैं तुम्हारे की पागल है ये देखो कमेंट ये देखिए तुम हो पागल तुम ये कमेंट तुम्हारे मोहल्ले के लोग पागल है ये आदमी ये सब ये देखो ये सब ये कमेंट करने वाला पागल है नहीं नहीं भैया जिसने कमेंट किया उसे कमेंट कर देना 150 मोहल्ले वाले सर से पागल है मानसिक रोग है इसलिए बैठ के आतंकवादी कह रहे हैं इसलिए होकर के भी तुम ये कल ये तुम्हारे इसके अपने वो है इसके अपने अब इसीलिए पीटे हो गए तुम जगह जगह तुम्हारी बात अपने कमेंट है ये अपने 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 सोशल मीडिया पे इसने सब फेक कमेंट बनाए हुए हैं सब फेक है सब फेक है सब फेक है फ्रॉड है तुम बड़े असली हो तुम असली हो केवल बाकी आसमान से पैदा हो गए तुम अपने माँ बाप से पैदा हो बाकी ऊपर से गिर गए आसमान से नीचे अरे शरीफ आदमी जरा तो शर्म कर लो जरा शर्म कर लो एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।